पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है पहले हमको वो समझना है। तो बेटा ध्यान रखना कि ए बी पहले दो पार्टनर थे, ठीक है। अभी बिजनेस में कौन ऐड हुआ बेटा? सी एडमिट हुआ, ठीक है। अभी बात बताओ, अगर नया पार्टनर अब बिजनेस में ऐड होगा तो क्या पहले एसेट और लाइबिलिटी का शेयर ए और बी का था? अभी लाइबिलिटी और एसेट में शेयर ए बी सी तीनों का हो जाएगा। यस सर। ओके, तो क्या बेटा उसकी वजह से एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, यहां पर रूल लगता है आपका नॉमिनल अकाउंट का, और बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और बेटा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये रूल सबको याद है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना बेटा। डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंस और लॉसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड सारी के सारी इनकम और गेन्स आती है। ये याद है सबको? यस सर। ओके, अब मैं कुछ कुछ पूछूंगा, तुम ही लोग बताओगे, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा। एक बात बताओ, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। चलो बेटा, आपको लाइबिलिटी अब कम पे करनी पड़ेगी, यानी लाइबिलिटी कम हो रही है, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। ओके, दूसरी चीज बेटा, एसेट की वैल्यू कम हो गई यानी कम बेच पाओगे, प्रॉफिट या लॉस? लॉस। और बेटा लाइबिलिटी की वैल्यू ज्यादा हो गई, पहले आपको 1 लाख पे करना था, अभी 3 लाख पे करना है, तो ज्यादा हुई तो लॉस। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये बेटा कि अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये आपके लिए लॉस है, एंड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट साइड। तो इसीलिए जरा चेक करना बेटा, आप अगर देखो तो डेबिट साइड सबसे पहले क्या लिखा है? टू एसेट डिक्रीज इन द वैल्यू, टू लाइबिलिटी इंक्रीज इन द वैल्यू। पहले बताओ ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब अगर ये बात समझ में आई बेटा तो मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। यहां पर क्या है बेटा कि सपोज करो मशीनरी थी, ध्यान से सुनना बेटा, मशीनरी की वैल्यू बेटा पहले 80,000 थी, अभी उसकी वैल्यू 70,000 हो गई, तो बेटा कितने से डिक्रीज हुआ? 10,000। प्रॉफिट या लॉस? लॉस। और बेटा अगर लॉस है तो उसको हम डेबिट साइड कैसे लिखेंगे? टू मशीनरी यानी एसेट का नाम, और जितने से डिक्रीज हुई है वो अमाउंट लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस, क्लियर हो रहा है? यस सर। यानी दशांत क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज बेटा क्रेडिटर्स से, ठीक है, उनको हम पहले हमें पे करना था 45,000, अभी हमको पे करना है 50,000। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। 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 प्रॉफिट या लॉस? लॉस। लॉस। डेबिट साइड जाएगा बेटा किस नेम से? टू क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी का नाम। और बेटा ध्यान रखिए, जितने से इंक्रीज या जितने से डिक्रीज, तो बेटा कितने से इंक्रीज हुआ है? 5,000। ठीक है, अच्छा, अभी जरा क्रेडिट साइड देखना बेटा। अगर लिखा हो बिल्डिंग पहले 5 लाख की थी और ये एप्रिशिएट हुई है बाय 10%, तो बेटा एक बात बताओ, एप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज होना या डिक्रीज होना? इंक्रीज। बच्चों एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज। इंक्रीज डेप्रिसिएशन का उल्टा। हाँ, एप्रिशिएशन मतलब इंक्रीज हो गया। तो बेटा बिल्डिंग, अच्छा एक बात बताओ, एसेट इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट। कितने से इंक्रीज हुआ बेटा बिल्डिंग? 10% मतलब वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 50,000। तो हम लिखेंगे बेटा बाय बिल्डिंग, और कितने से इंक्रीज हुआ? 50,000 से। यस, क्लियर हो रहा है दिशांत? यानी यस।
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे समझना, ठीक है। सेम एज अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो जितने से डिक्रीज हुई होगी वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। अब बचता आपका थोड़ा थोड़ा और पॉइंट। अब एक चीज पूछूंगा जरा मेरे को जवाब देना सब लोग, एक बात बताओ बेटा, आपके पास कुछ क्रेडिटर्स थे जिनको आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो क्या उनको पे करोगे बाद में या नहीं पे करोगे? यस सर। और बेटा अगर पे करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस? लॉस। लॉस है ना। और अगर लॉस है तो हम उसको क्या किस नेम से लिखेंगे डेबिट साइड? टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नेम से, जितने अमाउंट से वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सपोज करो आपके पास कुछ फर्नीचर या फिर कुछ स्टॉक था जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी आपने रिकॉर्ड किया है, तो उसको बेचोगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आपके लिए इनकम है, और बेटा इनकम है तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट के नेम से जाएगा। बात समझ में आई सब बच्चों के अभी तक? यस सर। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में लिखा बेटा कि हमने किसी को रिमनरेशन पे किया है। अब एक बात बताओ, अगर हमने पे किया हमारे लिए इनकम या एक्सपेंस? रिमनरेशन पे किया बेटा, रिमनरेशन मतलब उसको कुछ सैलरी फीस वगैरह पे की है। अगर हमने किसी को कुछ पे किया है तो हमारे लिए इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंसिव। एंड ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज आर डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा टू रिमनरेशन के नेम से। बात समझ में आ गई सबके? यस सर। अच्छा, मान लो बेटा क्रेडिट साइड आ रहा है 1,00,000 रुपीज और डेबिट साइड का टोटल 80,000 है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? क्या था, एक बार रिपीट करना। मैंने बोला हमारा डेबिट साइड का टोटल है बेटा, सॉरी हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,00,000 रुपीज, ठीक है, और हमारे डेबिट साइड में अभी 80,000 रुपए है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट। अच्छा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000 रुपए का। बीस। ठीक है, तो यानी बैलेंसिंग फिगर या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब एक चीज पूछ रहा हूँ, जरा बताना बेटा, नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसको कौन से गुडविल बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। कल ही पढ़ा था, भूल गए बच्चों? आई रिपीट, नया पार्टनर अपने साथ दो चीजें लेकर के आता है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। याद आ गया सबको? यस सर। और बेटा पूरे एडमिशन के चैप्टर में प्रीमियम फॉर गुडविल एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग। और बाकी जितने भी टॉपिक है बेटा वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में। दैट मींस व्हाट बेटा, ये जो प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन का, इसको हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में। सब बच्चों को रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसका ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ठीक है। सबसे पहली चीज बेटा, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। सबसे पहला आइटम क्या है? बाय बैलेंस बीडी। बेटा बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई बिजनेस में, यानी पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल लेकर के आए थे। अब एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, तो बेटा पार्टनर के लिए इनकम या एक्सपेंस? इनकम। इनकम। एंड बेटा ऑल इनकम एंड गेन्स आर डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। तो इसीलिए वो बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस साइड गया? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड गया। बात समझ में आई? यस सर। और अगर आप देखो तो ए और बी में खाली डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि सी कौन सा पार्टनर है? न्यू पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर्स ए और बी हुए, तो ओल्ड रेशियो ए और बी का ही आया होगा, इसलिए ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आप लोग को मैं एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, सारे बच्चे इस चीज को पहले तो नोट कर लेंगे, कुछ बच्चों ने पहले नोट कर रखा होगा, कुछ ने नोट नहीं किया होगा, ठीक है, ये जरा नोट करो सारे बच्चे। तो
नोट हो गया ये? यस सर। ये नोट कर लो सब लोग, जो ब्लू पेन से लिखा है वो भी नोट कर लो, फिर उसके बाद समझाना स्टार्ट करूं। जल्दी नोट करो इस चीज को। ओके सब बच्चों ने नोट कर लिया क्या? यश हो गया, प्रशांत यानी सृष्टि, ओके ठीक है। मेरा ध्यान से सुनना जरा जो बोलने जा रहा हूं बेटा, ठीक है? आपको क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन करने चाहो, ठीक है, आपको ये देखना है कि लाइबिलिटी साइड चार आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है? क्या क्या चार आइटम्स हो सकते हैं? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा ये रिजर्व ना पार्टनर्स के प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। अगर पूरे साल में इसका कोई भी क्लेम नहीं आया तो बेटा ये पैसा वापस किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में। अब पार्टनर को उनका प्रॉफिट मिल रहा तो पार्टनर के लिए इनकम या एक्सपेंस? इनकम, इनकम। एंड बेटा ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होता है, इसीलिए ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये बात समझ में आई? सर समझ नहीं आया। नहीं समझे? देखो यश ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखना लाइबिलिटी साइड चार आइटम्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि चारों गिवन हो। चार आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और पीएनएल। अब इन चार में से, इन चारों में से अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना है? इन चारों को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? यश, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और पार्टनर्स को अगर ये चीज मिलेगा तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट हुआ। ऑल इनकम एंड गेन्स और क्रेडिट, ठीक है, तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। बात समझ में आई? यस, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा अब कल की क्लास को जरा सा रिवाइंड करते हैं। ज्यादा मैंने आपको बताया था दो गुडविल होती है, एक तो जो नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है और एक कौन सी गुडविल होती है? एक और कौन सी गुडविल होती है बेटा? एग्जिस्टिंग गुडविल। बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल कहां गिवन होती थी? कल ही बताया था, बैलेंस शीट के एसेट साइड गिवन होती है। तो बेटा एक ये देखो, बैलेंस शीट के एसेट साइड गुडविल गिवन है, पुराने पार्टनर्स की गुडविल है, पुरानी गुडविल है, तो इसे पुराने पार्टनर्स में शेयर होगा बेटा। इसके अलावा सपोज करो अगर आपके एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट लिखा हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी लिखा हो, तो बेटा ये तीन आइटम्स यानी गुडविल, पीएनएल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इन तीनों को भी हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई सबके? दशांत यानी यश, यस क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। पक्का ना? अच्छे से? यस सर। ठीक है, ये नहीं तुम्हें क्लियर हो रहा है? अच्छा हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सो ध्यान रखें लाइबिलिटी साइड बेटा चार आइटम, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और पीएनएल। और बेटा एसेट साइड तीन आइटम, गुडविल, पीएनएल और एडवर्टीजमेंट। इन तीनों, इन सातों के सातों आइटम्स को हमें क्या करना होता है बेटा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब जैसा कि अगर आप देखो तो फॉर्मेट में यहां पर आपको दिख जाएगा बेटा, सबसे पहली चीज क्रेडिट साइड देखो, जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, पीएनएल और आईएफआर। बेटा ये चार चीजें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जबकि एसेट साइड देखो बेटा, गुडविल,
एडवर्टीजमेंट और पीएनएल, ये तीन चीजें बेटा पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। बात समझ में आ गई सब बच्चों के? यस ओके ठीक है। इसके अलावा अगर बाई चांस बेटा रिवैल्यूएशन का लॉस आता तो वो डेबिट साइड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ठीक है। अब एक बात बताओ, नया पार्टनर दो चीजें लेकर के आता है बेटा, क्या क्या? कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल, प्रीमियम ठीक है ठीक है। तो नया पार्टनर अपने साथ दो चीजें लेकर के आता है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा देखो क्या लिखा है मैंने, बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट, और बेटा उसका अमाउंट किसके कॉलम में गया है? नए पार्टनर के कॉलम में गया है। अब आप लोग एक चीज जरा नोटिस करो बेटा, ठीक है, पूरे फॉर्मेट में नए पार्टनर के लिए सिर्फ एक चीज गिवन है, और वो एक चीज क्या है बेटा? उसका कैपिटल। बात समझ में आई? ओके। यस सर। एंड बेटा नया पार्टनर दूसरी चीज लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, बेटा वो किसके लिए लेकर के आता है? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के लिए। और बेटा वो प्रीमियम फॉर गुडविल एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस। तो बेटा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट तो ओल्ड पार्टनर्स में हुआ, लेकिन कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बात समझ में आई सब बच्चों के? भाई यस सर। सबके आई? यस यस सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है। एंड बेटा अभी ये वाला पॉइंट छोड़ देना, ये हम सीधे क्वेश्चन में देखेंगे। बैलेंसिंग फिगर फिर क्या हो जाएगा बेटा? बैलेंस सीडी, यानी हम क्या करेंगे, ए का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, उसके डेबिट साइड की टोटल से माइनस करेंगे, जितना बैलेंस वैल्यू आया वो हो जाएगा बैलेंस सीडी ए बी और सी का। पहले बताओ सब बच्चों को फॉर्मेट समझ में आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का? सर लास्ट का बैलेंस सीडी वाला एक रिपीट कर बैलेंस दीजिए। सीडी। चलो एक बात बताओ बेटा, चलो रुको मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम ही बताओगे है ना, मैं नहीं बता रहा। भाई सपोज करो ए कैपिटल लाया था 1 लाख रुपए, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ उसका 10,000 रुपए का, मान लो जनरल रिजर्व 5,000 का था, ठीक है, पीएनएल 5,000 का था, डब्ल्यूसीआर 5,000 का था, और आईएफआर भी 5,000 में उसका शेयर था। इसके अलावा उसको गुडविल मिली है बेटा 5, 10, 15, 20, 30, 40, 41 और 10,000 की, ठीक है। तो बेटा यहाँ का उसका टोटल क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है? 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000, 1,40,000 हो रहा है। पहले बताओ ये बात समझ में आई? ठीक यस सर। है। मान लो उसको गुडविल 5,000 की थी, एडवर्टीजमेंट 15,000 का था, पीएनएल नहीं गिवन था। अरे एक बात बताओ उसका डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, सर 20,000, लेकिन क्रेडिट साइड में कितने का है? 1,40,000, बेटा कितना बैलेंस बचेगा? 1,20,000। तो 1,20,000 उसका हो जाएगा बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरिड डाउन। बात समझ में आई? यस सर। इसी तरीके से हम बी और सी का भी निकाल लेंगे। समझे सारे बच्चों को समझ में आया? चलो अगर समझ में आया तो एक बार वापस से गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है बेटा, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी, यानी पार्टनर कितनी कितनी क्या लेकर क्या आए थे? कैपिटल। अब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया बेटा, अगर प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर लॉस आया तो डेबिट साइड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड 4 आइटम्स हो सकते हैं, कौन कौन से 4 आइटम? बच्चों कौन कौन से 4 आइटम? बच्चों कौन कौन से 4 आइटम? आईएफआर, जनरल रेप पीट दूंगा मैं, गुडविल कहां से आ गया पूजा जी? ओके। तो मतलब बेटा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड 4 आइटम्स हो सकते हैं, क्या क्या? जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, पीएनएल और आईएफआर। बेटा इन चारों चीजों को हमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, ठीक है। इसके अलावा नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है तो बाई कैश या बैंक नए पार्टनर के कॉलम में, और प्रीमियम फॉर गुडविल आता है जो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है यहां तक?
क्रेडिट साइड का, ठीक है। अब देखो एसेट साइड तीन आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा? गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एंड सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और पीएनएल अकाउंट। तो बेटा ये तीन चीजों को भी हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड देन अभी ये वाला पार्ट छोड़ दो, अभी इसको नहीं समझेंगे। और फिर उसके बाद बेटा बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे एबीसी का, जो आ जाएगा बैलेंस सीडी। बात सबकी समझ में आ गई? दशांत, यानी यश, सार्थक, यस सर, जशन क्लियर है? यश क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बस एक चीज और रहेगी बेटा, इसके जर्नल एंट्री का पोर्शन, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। जरा ये जर्नल एंट्री नोट कर लें आप लोग, दो जर्नल एंट्रीज है, इन दोनों चीजों का नोट करो बेटा। नोट करो बेटा जल्दी से इसको, फिर समझाऊं। डन डन, शाबाश। नोट हो गया? हाँ, मैं बच्चों नोट नहीं हुआ क्या अभी तक? सारे बच्चे रिप्लाई करें, किसका किसका नोट हो गया है? ओके, मेरे बात ध्यान से सुनना बेटा। बात ये होती है कि अगर आप लोग को, जैसे एक होता था बेटा ट्रेडिशनल रूल और एक होता था आपका मॉडर्न रूल। ट्रेडिशनल रूल के अंदर बेटा होता था रियल, पर्सनल और नॉमिनल, ठीक है। जबकि मॉडर्न रूल होता था बेटा, जिसके अंदर हम यूज करते थे क्या चीजें, एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल का रूल। अब एक बात बताओ, जनरल रिजर्व, डब्ल्यू सी आर, आई एफ आर और पी एन एल, बेटा ये कौन से साइड होते थे, एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड? लाइबिलिटी, ठीक है। और बेटा अगर हम इसको फिर क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब एक बात बताओ, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो लाइबिलिटी खत्म होगी या इंक्रीज होगी? खत्म। अब बेटा अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही तो वो हमेशा क्या होगा, बस इसमें समझना ये है बेटा कि अगर यही चीज आप देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो रूल अलग होता था, क्योंकि रिवैल्यूएशन बेटा हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना होता था, तो इसलिए वहां पर हम नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते थे। बट अभी यहां पर हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं बेटा, मॉडर्न रूल का। तो सिंस सारी लाइबिलिटीज को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स के लिए बेनिफिट हो गया, तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे और बाकी ये सारी चीजें क्या होंगी, डेबिट होंगी। ये बात सबको समझ में आई? यस सर। भाई सबको समझ में आया?
सेम एज हमने फिर क्या किया बेटा, एसेट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब देखो अगर आप एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा, ठीक है, तो कौन रिसीवर होगा उन एसेट का, ओल्ड पार्टनर, और डेबिटर रिसीवर के हिसाब से बेटा पार्टनर रिसीवर है, और अगर आपके एसेट डिक्रीज हो रहे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो तीनों के तीनों एसेट डिक्रीज हुए यानी डिस्ट्रीब्यूट हुए, और उसका रिसीवर कौन था, पार्टनर था, तो जो रिसीवर है वो डेबिट हो गया, और तीनों चीजें फिर आपके लिए क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। ये सबको समझ में आया? यस सर। और क्या बचा अब इस चैप्टर के अंदर और कुछ बताने लायक? अब जरा इसकी जर्नल एंट्री नोट करो बेटा, ये मुझे समझाना नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को नोट करना है, सो दैट अगर आपसे कभी पूछे तो आप लोग बता सको। नोट करो जल्दी से इसको, और जो जो हेडिंग बोल रहा हूं वो हेडिंग डालना, इंक्रीज इन द वैल्यू, डिक्रीज इन द वैल्यू, हेडिंग डाल डाल के जनरल एंट्री नोट करना बेटा, जल्दी से करो। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका आइडिया नहीं लिखना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट पूरा ही लिखोगे? जल्दी सर, थर्ड वाली दिखाना। बेटा थर्ड वाली इतनी है, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये नोट करो बेटा, ऊपर वाले दिखाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ छूट ये वाली। गया, एक मिनट से। यस सर। अब बेटा ये जल्दी नोट करो। कर लिया सर। शाबाश। अब मेरे पास ध्यान से सुने बेटा। ओके बेटा, अब देखो हमने ये चीजें नोट कर ली, ठीक है। अब ना कल की जो क्लास होगी